please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू होने के बाद सरकार अब अलगाववादियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में। जानकारी के मुताबिक NIA और ED टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अलगाववादियों पर कार्रवाई कर सकती है। दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव की अगुवाई में एक हाई लेवल बैठक हुई है जिसमें टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर चर्चा हुई। कश्मीर में कथित तौर पर टेरर फंडिंग के मामले में NIA ने पहले ही दिल्ली की अदालत में आतंकी हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन समेत 10 कश्मीरी आतंकवादियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने अलगाववादी शब्बीर शाह गिलानी के हवाला डीलर से 2.25 करोड़ रुपए मिलने का भी पर्दाफाश किया था। नीतीश हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, शिकंजा और ज्यादा अलगाववादियों पर कसता दिखाई दे रहा है, किन किन पुख्ता चीजों के मद्देनजर? देखिए, ये कार्रवाई जो है सरकार की NIA और ED पहले से ही सेपरेटिस्ट जो है अलगाववादी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ये सिलसिला पिछले 2 साल से जो जारी है। NIA ने, आपको अगर याद हो, 7 सेपरेटिस्ट लीडर को, जो मिडिल क्लास के मिडिल लेवल के जो सेपरेटिस्ट लीडर थे, उनको गिरफ्तार भी किया था, जिसमें नईम खान, बिट्टा कराटे, महराज कलवन और दूसरे लोग भी थे। और इसके अलावा जो सैयद सलाहुद्दीन है, उसके लड़के शाहिद यूसुफ को भी NIA ने गिरफ्तार किया था, जो अभी भी जो जुडिशियल कस्टडी में फिलहाल तिहाड़ जेल में है। और ये मामला तो फिलहाल चल ही रहा है। NIA ने इस मामले में ऑलरेडी चार्जशीट भी दाखिल की है और जो सैयद सलाहुद्दीन और हाफिज सईद के खिलाफ के साथ साथ 10 आतंकवादियों के खिलाफ 2 साल पहले NIA ने चार्जशीट दाखिल की थी, तो वो मामला चल ही रहा है। अब उसमें फर्दर जो एक्शन होगा वो लेना है, क्योंकि इसमें कई ऐसे मामले हैं जिसमें सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज और यासीन मलिक के नाम भी आए थे, लेकिन उनको पूछताछ के लिए अब तक नहीं बुलाया गया था, ना ही कोई कार्रवाई की गई थी। लेकिन अब जो पहले की कार्रवाई है उसको और उसमें तेजी लाई जाएगी और इन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। शुक्रिया नीतीश।